Welcome to Performance Tutor. Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss about natural resources. इसके जो previous lecture था उसमें हमने environment को समझा था. Actually environment क्या होता है, ठीक है? इस video में specifically हम natural environment को पढ़ने वाले हैं कि natural environment क्या होता है, क्या-क्या natural environment के under आता है, ठीक है? और आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें. चलिए तो शुरू करते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट, तो हमने इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या क्या देखा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर क्या देखा हमने, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ये वाला जो कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट के हमने अंडर देखा कि भैया लैंड, एयर, वाटर एंड बायोस्फीयर, ये चार जो हैं स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट आप, आई होप आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब वह एनवायरनमेंट जो कि नेचुरली है, ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है? अब आपने इसके जो प्रीवियस क्लासेस थी आपकी उसमें आपने इन टर्म्स को तो समझा ही होगा, पढ़ा ही होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, इन सभी को आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो अभी हम फिर से इनको समझने की कोशिश करते हैं, लिथोस्फीयर क्या होता है और अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले यदि मैं बात करूँ लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर जो है, आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा है, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है? आपने पढ़ा होगा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है? तो जो अपर मोस्ट होता है जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हो, तो एक लेयर होती है पतली सी जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. तो वो जो क्रस्ट, जो जितना भी क्रस्ट वाला जो पार्ट है अर्थ का, वो किसके अंदर आता है, लिथोस्फीयर के अंदर आता है. और ये क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, जो कि टॉप लेयर होती है अर्थ की, ठीक है? और ये बनी हुई किससे होती है, रॉक्स से, मिनरल्स से. मतलब आपको जो रॉक्स और मिनरल्स, आपको पता है कि हम जो है चट्टान, हम जो है खुदाई करते हैं, ठीक है, माइनिंग वगैरह करते हैं, तो आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, रॉक्स चाहिए होते हैं, रॉक्स देखने को मिलते हैं हमको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कोटन स्टोन, मार्बल हुआ, तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये सब मिलेगा आपको लिथोस्फीयर में, ठीक है? इट इज़ अन इरेगुलर सरफेस, ठीक है, विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स. अब इस, ये इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर मतलब ऊपर नीचे. आपको पता है भैया, कहीं आप यहाँ पर रह रहे हो तो आपको कहीं पर प्लान लैंड देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको माउंटेंस देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा. प्लेट्यू मतलब टेबल टाइप जो लैंड होता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है, माउंटेंस देखने को मिलेंगे. तो इरेगुलर है ना, सीधी कहाँ है, बिल्कुल एक जैसी तो है नहीं, तो ये इरेगुलर है. साथ ही साथ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. लिथोस्फीयर के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वही लैंड, जो ओशियन के अंदर जो लैंड है ना, समुद्र के अंदर जो लैंड होती है वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. जैसे कि क्या है, एक्चुअली आप जब अर्थ को देखोगे ना, अर्थ पे से यदि मैं पूरे पानी को निकाल दूँ, ठीक है, तो अर्थ कुछ इरेगुलर टाइप का बचेगा, इस तरीके का, ठीक है. अर्थ सर्कल में क्यों है, बिकॉज वाटर के कारण ये जो इरेगुलर सरफेस है उस जगह पर क्या है, वाटर है, तो उसने अर्थ को क्या बना दिया, एक स्फेरिकल शेप में बना दिया है, ठीक है. इसलिए अर्थ जो है स्फेरिकल दिखती है, क्योंकि वो गड्ढे वाली जो जगह है वहाँ पर पानी है, तो वो जो पानी को यदि मैं हटा दूँ तो उसके नीचे भी आपको ज़मीन देखने को मिलेगी. मतलब जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे भी आपको लैंड देखने को मिलता है, तो वो जो लैंड होता है वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है. जिसे हम क्या कहते हैं, उस लैंड को हम कहते हैं ओशियन फ्लोर, ठीक है. ओशियन फ्लोर मतलब ओशियन के नीचे जो ज़मीन होती है उसको हम ओशियन फ्लोर कहते हैं. लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है. यदि मैं लिथोस्फीयर की बात करता हूँ, तो लिथोस्फीयर जो है वो डोमेन है जहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड देखने को मिलेगी ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग जो कि गाय वगैरह जो होती हैं उसके चरने के लिए जो ग्रेजिंग, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रासलैंड देखने को मिलता है. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये भी लिथोस्फीयर का पार्ट है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जो ह्यूमन का सेटलमेंट है, आपके हाउसेज वगैरह जो होते हैं वो भी एक लिथोस्फीयर के ऊपर ही आपको देखने को मिलते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है. जैसा कि आपको पता है
कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लिथोस्फेयर के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मिनरल वेल्थ है, एक तरीके से आप यूँ समझिए। आप कोल हुआ आपका, मार्बल्स हुए, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं वो एक लिथोस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसे हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेयर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं द डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है। तो जितना भी वाटर आपकी अर्थ पर आपको देखने को मिलता है वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर हुआ, लेक्स हुआ, सीज, ओशियंस, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जितना भी वाटर है आपके अर्थ के ऊपर वो सब ही हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोस्फेयर मतलब वो डोमेन ऑफ वाटर। तो जहाँ जहाँ आपको पानी देखने को मिलता है इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, ओके। तो बाकी के जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट बचते हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम वीडियोस को ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहते, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।